हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुरेश। आज क्रॉस फिट करने जा रहे हैं, तो क्रॉस कैसे फिट करना है वो आज बताने वाला हूँ मैं। तो क्रॉस फिट करने से पहले ये देखो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और टॉप गियर, ठीक है। ये मेन साहब का डिस्टन और ये क्रॉस का बोल्ट है और इसके अंदर ऑयसर पहले से फिट है। और ये दो गोली, दो स्प्रिंग और ऊपर का ये कवर लॉक वाला, और दो लॉक वाइसर और दो लॉक, एक लॉक इसमें फिट किया हूँ मेन साब में पहले से, इसको खोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो और ये क्रॉस, ठीक है, फिट करके लेते हैं मेन साब में। सबसे पहले वाइसर डाल के लेते हैं ये, ठीक है। प्लेन वाला नीचे रहेगा और जो उठा हुआ है ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ खाँचे में फिट किया जाता है, जो खाँचा रहता है उसके अंदर, ठीक है। अभी क्रॉस फिट करेंगे ये वाला, तो ये जो इसमें खाँचा है ये ऊपर की तरफ रहेगा, तो और ये खाँचे में से डाल के इसको फिट करना है, ठीक है। तो ये देख लो खाँचा, ठीक है, ऐसे अंदर डाल के और लेफ्ट साइड में घुमा देना है, ठीक है। तो दिख रहा है अंदर खाँचा है, तो खाँचे में ये डिस्टन इसके खाँचे में फिट करना है, ठीक है। ये देखो फिट हो गया, ये घूमना नहीं चाहिए फिट होने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद ये क्रॉस का रॉड फिट करना है, ठीक है। तो पहले से इसमें वाइसर है लॉक वाला, क्रॉस बोल्ट कभी भी उल्टा टाइट होता है, ठीक है। तो इसको उल्टा टाइट करना है, ठीक है। मैंने इसको हाथ से अच्छे से टाइट कर दिया है, अभी इसको पानी से टाइट करना है। तो मेरे पास पाना नहीं, ग्रिप प्लायर है, मैं ग्रिप प्लायर से टाइट करने वाला हूँ। इसको डाइबर यहाँ पे लगा के इसके खाँचे में डाल के टाइट करना है। और आपके पास 12 का फिक्स पाना रहेगा तो उससे भी टाइट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छे से इसको टाइट कर दिया हूँ मैं, ज़्यादा जोर से नहीं टाइट करना, ज़्यादा जोर से टाइट करोगे तो बोल्ट स्लिप भी हो सकता है, ठीक है। उतना ही टाइट करना है जितना इसका कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पे ग्रिप प्लायर लगा के टाइट करना है, यहाँ पे मत लगाना, यहाँ पे लगाओगे तो चेंजर बैठने में तकलीफ देगा, ठीक है। अभी दोस्तों गियर फिट करने वाले हैं, तो गियर फिट करने के लिए फर्स्ट वाला गियर पहले फिट किया जाता है। तो ये फर्स्ट वाला गियर है जिसमें ये ऊपर वाला खाँचा है, ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको फिट करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाला फिट हो चुका है, अभी सेकंड वाला फिट करेंगे। तो ये देखो सेकंड वाले में, ये देखो इसके दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लेन है, ये नीचे की तरफ रहेगा और ये वाला जो है खाँचा वाला ऊपर की तरफ रहेगा। वैसे ही सेम ये थर्ड वाला भी है, प्लेन वाला नीचे की तरफ रहेगा और खाँचे वाला ऊपर का। ये देखो थर्ड वाला फिट कर चुका हूँ, और टॉप वाला भी सेम वैसे ही है, प्लेन वाला नीचे के तरफ रहेगा और खाँचे वाला ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है, चारों गियर फिट कर दिया हूँ, अभी इसके ऊपर लॉक वाइसर और लॉक लगा के लेते हैं। ये देखो दोस्तों, अभी इसमें लॉक वाइसर और लॉक बैठा के लेंगे, ठीक है। तो ये है लॉक वाइसर और ये खाँचे में बैठेगा, ठीक है। तो ये मैं फिट कर दिया लॉक वाइसर। ये देखो दोस्तों, लॉक वाइसर बैठा दिया हूँ, अभी ये लॉक बैठाएंगे। तो लॉक डायरेक्ट बैठाना है,
लॉक पकड़ से, ठीक है। तो मैं इसको बैठाता हूँ। ठीक है, अच्छे से लॉक बैठ गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा फटका मार देना जिससे लॉक अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। अभी ये स्प्रिंग इसका बैठा के लेंगे और लॉक ऊपर का और गोली अंदर फिट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गोली फिट करना है, ठीक है। तो अभी गोली फिट करते हैं। तो ये ऐसा सीधा कर लेना है, इसका लॉक स्प्रिंग का, ठीक है। ठीक है, अच्छे से फिट हो चुका है, ये देखो। ऐसे गियर अच्छे से चेक कर लेना है, गियर फिट हुआ कि नहीं, ठीक है, ओके। और ये क्रॉस फिट करने का वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि कमेंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे गियर फिट करना है, अरे दोस्तों ये फोर स्ट्रोक गाड़ी का है मेन शाफ्ट, तो इसको ऐसे ही फिट करना है जैसे मैंने बताया हूँ, और इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा आगे के समय पे। और कभी भी फिट करते टाइम में गियर का ये दाता चेक कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो ज़रूर लाइक करना, और आप लोग के लिए और भी वीडियो बनाऊंगा।